डॉक्टर शत्रुप, आप कुछ बोलना चाह रही थी इस जवाब पर। मैं ये बोल रही थी कि आप बोल रहे हैं कि होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हर कोई इतना ट्वीट क्यों करे। वो तो हमारा ड्यूटी है, वो तो हम करेंगे। जितना भी परसेंटेज आएगा, जो जो भी वोटर आएगा, उनका उत्साह करना हमारा हर एक कार्यकर्ता को एकदम, दिस इज आवर ड्यूटी, दैट वी विल कीप डूइंग। वी आर नेवर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। मैं ये बोल रही हूँ कि जितना हम, ऐसा नहीं है कि हम कॉम्प्लेसेंट है कि अच्छा ठीक है, जितना हो गया काफी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या फिर सहयोग से सरकार बनाई हुई है, वहां पर ये परसेंटेज कम देखने को मिल रहा है? बीजेपी की सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश का मैंने जिक्र किया 54%। आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पाया, बिहार में भी आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा नहीं जा पाया, यहाँ पे भी 58.58% रह गया है। यानी जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर चिंता का विषय आपको नहीं लगता? युवाओं को लेकर लगातार आप बात करते हैं, किसानों को लेकर बात करते हैं, हर वर्ग तक पहुंचने की बात करने वाली पार्टी जहां पर शासन कर रही है जिन राज्यों में, वहां पर अगर सबसे कम वोट परसेंटेज आ रहा है तो चिंता का विषय है। और आप इसे स्वीकार कर रही हैं कि नहीं, लोगों में इसीलिए उदासीनता होगी या फिर ये मान लिया जाए कि उन्होंने सरकार को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया इसलिए वो वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं कर रहे कि हम, वी आर कॉम्प्लेसेंट अबाउट द होल सिचुएशन। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कह रहे कि ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर हर एक का भरोसा है, तो वो वोटिंग होगा, डाल रहे हैं। आप अगर 2019 के साथ अगर कंपेयर करेंगे, उतना ज्यादा फर्क है नहीं। नहीं, फर्क होना ना होना तो दूसरी चीज है ना, मुद्दा यह है कि वोट परसेंटेज बढ़ क्यों नहीं रहा है। आप रैलियों में जो उत्साह, आप कहते हैं कि देखिए मैदान चकाचक भरा हुआ है, वो आखिर वोटर्स में क्यों तब्दील नहीं हो पा रहा है, वोट परसेंट में क्यों तब्दील नहीं हो रहा? डॉक्टर वरुण, रैलियों में भीड़ लेकिन वोट परसेंटेज उतना नहीं है जितना दिखता है। जी, रैलियों में भीड़ ऐसी होता है, उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है, ऐसा खर्च होता है, गाड़ियां लाया जाता है, प्रलोभन दिए जाते हैं, किस जाते हैं, इस प्रकार से नेता लोग अपनी भीड़ इकट्ठी करते हैं और उदासीनता ही एक्सेप्ट करते हैं। 8-10% जो है कई क्षेत्रों में तो परसेंट से ऊपर उदासीनता देखी गई, बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। और अब कह रहे मोदी जी को भरोसा है, इसलिए मोदी जी का पुता है तो फिर एक वोट भी क्यों आया? इतना की भरोसा है तो लोकतंत्र की आवश्यकता ही क्या है, वोटिंग की आवश्यकता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की आवश्यकता है? ये बड़ा अजीब सा नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास है। दूसरा, जो आप बात कर रहे हो, आप देखा होगा बस फेस के बाद जो एकदम से चुनाव की घटनाक्रम बदला और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस पर चर्चा करने के दिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे चर्चा करने की बजाय 10 साल से जो सत्तारूढ़ पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा करते हैं, लोग जो है सब समझने लगे। मैं कह रहा हूँ लोग इतने वो तो होते नहीं, मूर्ख तो होते नहीं। हर चुनाव में नया सॉफ्टवेयर से डेवलपमेंट आता है, नए वोटर भी आते हैं, उस हिसाब से चलते नहीं तो जो पहली सरकार होती है वो हटती क्यों, इधर चलती रहती है। ये लोग इसको समझने के लिए नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मन में इनको भी पता है तो टर्नआउट कम हो रहा है वो इन्हीं के खिलाफ हो रहा है या इनके पक्ष में नहीं हो रहा है, दोनों से कोई पब्लिक उदासीन है, बहुत बड़ा है। लेकिन जहां जैसे कर्नाटक है, राजस्थान है, गुजरात है, यूपी है, अलग अलग स्टेट और कैंडिडेट्स पर निर्भर करेगा कि वहां क्या स्थिति है लोकल लेवल पर। अगर कैंडिडेट में फिर कह रहा हूँ, मान लीजिए संयुक्त मजबूत है तो बीजेपी ने जैसे वो सीक्रेट में पीए को दे दिया, वो चले सब ट्वीट पे आ रहा है कि वो सीधे बंबई चले गए, हीरोइनों को दे दिया, उनके वो नहीं है। आप देखिए जनता सांसद और प्रतिनिधि क्यों चुनती है, 24 घंटे अवेलेबिलिटी के लिए चुनती है। अब ये चुनाव जीत के चले जाते हैं, एक पेपर के चक्कर में आके